ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. आपके सामने सूरतुल क़यामा की इब्तिदाई आयात तिलावत की गई हैं। आपको पता है आखरत का जो सबसे मशहूर नाम है वो अल-क़यामा है, क़यामत। उसी नाम से ये सूरह मुबारका है, मक्की सूरह है, 40 इसमें आयात हैं, 29वें सिपारे में मौजूद है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान है, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की और कसम खाता हूँ इस नफ्स की जो मलामत करने वाला है। लव बिन नफ्स लवामा, आपको पता है नफ्स की तीन कस्में हैं। एक नफ्स अम्मारा है जो बुराई की तरफ उकसाता है, दूसरा नफ्स लवामा है जो मलामत करता है। जब इंसान कोई बुराई का सोचता है तो वो मलामत करता है, नहीं नहीं ये बुरा काम है, ऐसा नहीं करना। अगर वो कोई बुराई कर लेता है तो उसका नफ्स उसको बहुत मलामत करता है, तुमने बहुत गुनाह का काम किया है, वो तो अपने रब से तौबा करो, ये नफ्स लवामा है। तो ये मलामत करने वाला जो नफ्स है जो इंसान को बुराई से रोकता है और बुराई करने पे मलामत करता है, इसके अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कसम खाई है सूरह मुबारका में। और तीसरा जो नफ्स है वो नफ्सुल मुतमाइन्ना है, जो इत्मीनान पाने वाला नफ्स है, और उसका जिक्र सूरतुल फज्र में है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना करेंगे, क्या हम हड्डियों को जमा ना करेंगे उसकी? भला क्यों नहीं, जरूर। क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। सुब्हानअल्लाह। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला पोर पोर दुरुस्त कर देगा क़यामत वाले दिन। और हम जानते हैं कि ये जो पोर है इंसान की, जो उंगली है, फिंगरप्रिंट जिसको हम बोलते हैं, बस ये यूनिक है हर इंसान का। सुब्हानअल्लाह, कोई ऐसा इंसान नहीं, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, हू बहू हो देखने में, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स तो अलग ही हैं। सुब्हानअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो यूनिक आईडीज दी हैं इंसान को, जैसे फिंगरप्रिंट है, रेटिना है, सुब्हानअल्लाह, ये क़यामत वाले दिन ऐसे के ऐसे ही मौजूद होंगी, ताकि आइडेंटिटी इंसान की वैसे ही रहे। शक्ल तो मिल सकती है, दो भाई होते हैं, ट्विंस होते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जो यूनिक आइडेंटिटीज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक इंसान के अंदर बनाई हैं वो तो यूनिक ही हैं। और अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुरा अमामा,
बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे नाफरमानियां करता जाए, यानी आगे नाफरमानियां भेजता जाए। इंसान तो ये चाहता है कि क़यामत का तो कोई दिन ही नहीं है, आखरत तो होगी नहीं, जो बुराई करता है दुनिया में करता चला जाए, ये चाहता है। असल बात यह है इंसान की, यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा। अब देखें यहाँ पे सवाल शुरू हो रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। पूछता है अय्याना, कब आएगा यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन, सही है जी, कब आएगा, कब। एक सवालिया वर्ड आया आपके पास अय्याना, सही है जी। फ़इदा बरिक़ल बसर व हसफ़ल क़मर व जुमिअ अश्शम्सु वल क़मर, बस जिस वक्त के निगाह पथरा जाएगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, यह क़यामत का मंजर है। يقول الانسان फिर वो कहेगा يوم اذن, يقول الانسان يوم اذن اين المفر, फिर कहेगा इंसान आज के दिन जाए पनाह कहाँ है, भागने की जगह कहाँ है, اين المفر कहाँ। सैयद एक और सवालिया वर्ड आया आपके पास ऐना, पहले आया था अयाना, अब आया ऐना, भागने की जगह कहाँ है। कल्ला, हरगिज नहीं, ला वजर, नहीं नहीं, कोई किसी किस्म की पनागा नहीं है। ये लाए नफी जिन्स वाला टॉपिक जो आपने पढ़ाया, वजर उन पनागा को बोलते हैं, ला आया है और उसके बाद जो इसम है ना उस पे अल है, ना तनवीन है और नसम में भी है, ये लाए नफी जिन्स है। किसी किस्म की पनागा नहीं है, यानी पनागा की जो जिन्स है उसकी ही नफी हो गई है कि आज के दिन क़यामत वाले दिन कोई किसी किस्म की पनागा नहीं है। इला रब्बिका यौमा इज़िन अल-मुस्तक़र, आज तो तेरी परवरदिगार ही की तरफ करारगाह है, आज तो तुझे अपने रब की तरफ ही लौटना है, कोई पनागाह उसके सिवा नहीं है, उसी की तरफ तू जाएगा। युनब्बअुल इंसान यौमा इज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्खर, आज इंसान को आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से आगाह किया जाएगा, यानी इसको इसके तमाम अमाल से आगाह किया जाएगा, कदीम हो या जदीद, अव्वल हो या आखिर, छोटा हो या बड़ा, सब के सब उसके सामने आएंगे और सब के सब से उसको आगाह कर दिया जाएगा, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। और एक तफसीर इसकी ये भी है कि आगे किसको किया पीछे किसको किया, यानी प्रायोरिटीज, किस चीज को प्रायोरिटी दी, ये भी बताया जाएगा। बल इंसान अला नफसिही बसीरा, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर आप दलील है, इंसान खूब जानता है उसके नफ्स में क्या है, चाहे वो हक को झुटलाता रहे लेकिन वो नफ्स उसका जरूर जानता है कि वो हक है जिसको वो झुटला रहा है, खूब जानता है इंसान। वलव अल्का मआज़ीरा, अगरचे कितने ही बहाने पेश करता रहे, हक को झुटलाने के लिए बहाने पेश करता रहे, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, बहाने पेश करता रहेगा, लेकिन उसका नफ्स अंदर से जानता है कि ये बात तो हक है जिसको वो झुटला रहा है। ये सूरह मुबारका तो बहुत ही खूबसूरत सूरह मुबारका है, सूरतुल क़यामा, और अक्सर इसकी तिलावत भी की जाती है नमाजों में, फर्ज नमाजों में, जहरी नमाजों में। दिल तो करता है इस सूरह को पूरा पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सूरह मुबारका है। आप इसको जरूर घर पे एक बार तर्जुमे के साथ पढ़िएगा। हम जो है पिछले हफ्तों में अरकान ईमान के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता है हदीस जिब्रील हमने पढ़ी, उसमें इस्लाम के बारे में पढ़ा, फिर ईमान के बारे में पढ़ा, और ईमान के छह सुतून हैं, छह अरकान हैं, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, आखरत के दिन पर ईमान, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। तो हम तीसरे पे दो हमने उसके बारे में कुछ तफसीरात जानी थी, आज तीसरा है किताबों पर ईमान। नोट कर लीजिए कि अल्लाह ताला किताबों पर ईमान में चार बातें आती हैं। सबसे पहली बात इस बात पर ईमान के जो किताबें अल्लाह ताला नाजिल फरमाई, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल हुई हैं,
अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल आमंतु बिमा अंजल अल्लाह मिन किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं मेरा इन पर ईमान है, यानी किताबें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा जो हैं तौरात इंजील जबूर और वो सुहफ जो अम्बिया अलैहिस्सलाम को दिए गए वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, उन सब पर ईमान। दूसरा इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला का कलाम है, जो किताबें हैं अल्लाह ताला की अल्लाह सुबहाना ताला का कलाम है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अफतुतमउना युमिनु लकुम वकद काना फरीकुम मिनहुम यस्मउना कलाम अल्लाह थुम युहरिफूनहु मिन बाद मा अक्लू वहुम यअलमून। अहले किताब का जिक्र फरमाया तो उसमें फरमाया कि यकीनन वो सुनते थे, उन्होंने सुना अल्लाह का कलाम, यानी जो अल्लाह की किताबें वो अल्लाह सुबहाना ताला का कलाम है, इस पर ईमान लाना। तीसरा बुनियादी दावत तौहीद इबादत है, जो अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई हैं उसमें जो बुनियादी इबादत है वो तौहीद इबादत है। अल्लाह सुबहाना ताला का फरमान सूरतुल अंबिया में وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ। आपसे पहले जो भी हमने रसूल भेजे इसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। यही बुनियादी दावत है तमाम किताबों के अल्लाह ताला की। और चौथी बात, सारी किताबें कुरान मजीद से मनसूख हो गई हैं, यानी अमल सिर्फ कुरान मजीद पर होगा। ईमान सारी किताबों पे लाना जरूरी है, ईमान का हिस्सा है। अमल सिर्फ कुरान पाक पे होगा और कुरान पाक से जितने पहले जो किताबें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं उन पे अमल नहीं होगा। अमल सिर्फ कुरान मजीद पर होगा, ईमान तमाम किताबों पर होगा। अल्लाह सुभान तआला ने फरमाया نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان। जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, इसी ने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और फुरकान को भी इसने उतारा यानी कुरान को भी अल्लाह सुबहाना ताला ने ही उतारा है। तो जो तौरात इंजील और इससे पहले जो किताबें हैं वो उससे पहले लोगों की हिदायत के लिए थी, कुरान आने के बाद कुरान मजीद के नाजिल होने के बाद अब उन किताबों पे अमल नहीं होगा, वो किताबें मनसूख हैं। ईमान सब पर लाना जरूरी है। कुरान मजीद से मुतालिक ये बात तो हम जान चुके हैं कि अल्लाह ताला का कलाम है। दूसरी बात, कुरान मजीद महफूज है, इस पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल हिज्र में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसके महाफिज हैं। जो कुरान पाक की हिफाजत है वो अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से है और इसमें क़यामत तक कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, इस पर ईमान लाना। कुरान मजीद में हर चीज का बयान है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाया वनज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शैइन व हुदा व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन सूरतुन नहल। और हमने आप पर ये किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का शाफी बयान है और हिदायत और रहमत और खुशबरी है मुसलमानों के लिए। और आखिरी ये कि कुरान मजीद आखिरी किताब है और जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, कुरान मजीद पर सिर्फ अमल होगा, ईमान सारी किताबों पर लाया जाएगा, लेकिन कुरान से पहले तमाम किताबें मनसूख हैं उन पर अमल नहीं होगा और अमल सिर्फ कुरान मजीद पर ही होगा। अल्लाह आलम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो ये तीसरा रुकन है ईमान का जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बारे में आज कुछ तफसील जानी है। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह बाकी अरकान के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ेंगे। तो जनाब, जैसे कि पिछली क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना, तो सवाल के एतबार से आपको ये पता चल चुका है जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना, ठीक है जी, यानी क्वेश्चन।
क्वेश्चंस। आपको पता है, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो सवाल हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? वो सवालात जिनका जवाब हाँ नहीं में होता है, ठीक है, हाँ नहीं में दिया जाए, करेक्ट। और दूसरा जो है जिनका डिटेल में जवाब होगा, करेक्ट, वजाहत मतलूब हो, यानी डिटेल में जवाब देना पड़े, ठीक है जी। जैसे सवाल किया जाए, क्या आप बैठे हैं? आप बोलेंगे हाँ या नहीं। क्या ये नीला कलम है? आप कहेंगे हाँ या नहीं। सही है जी। अहादा कलमुन, नाम। अहादा सबूरतुन, नाम। अहादा कलमुन अहमद, ला, राइट। तो हाँ या ना में जो जिनके जवाब दिए जाते हैं उनके लिए जो आपने पढ़ा है वो है हरूफ इस्तफाम यूज होते हैं, और वो सिर्फ दो ही हैं, हमजा या हल। हल, ठीक है जी। जुमला इसमें आके शुरू में हमजा और हल लगा दें तो उससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हादा कलमुन, ये कलम है। आहादा कलमुन, क्या ये कलम है? हल हादा कलमुन, क्या ये कलम है? हमजा जो है अमूमन जुमला इस्मिया के साथ और हल अमूमन जुमला फेलिया के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हमने बात करनी है आज इंशाअल्लाह उन सवालों की जिसके लिए वजाहत मतलूब हो, जो कहलाते हैं अस्माए इस्तफाम, ठीक है जी। अस्माए इस्तफाम यानी क्वेश्चन के जो नाउन्स है, ठीक है जी, नाउन्स, अस्माए इस्म। हरूफ हैं ये हमजा और हल, और आपने पिछली क्लास में रिवाइज भी किया था हमने अब तक कौन कौन से हरूफ पढ़े, तो ये हरूफ हैं। लेकिन ये जो हैं जिनके लिए वजाहत मतलूब होती है, वो क्वेश्चन वर्ड्स जो यूज होते हैं वो इस्म है, वो इस्म है, नाउन है, ठीक हो जाएगी। तो उसमें इस्म वाली चीजें पाई जाएंगी, ठीक हो गया, करेक्ट। तो ये फर्क है हरूफ और अस्मा में। तो आइए अब हम चलते हैं अस्माए इस्तफाम की तरफ, और उनके बारे में आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि अस्माए इस्तफाम कितने हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, और ये सारी चीजें, ठीक है जी। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं अस्माए इस्तफाम। अस्माए यानी इस्म की जमाए, ठीक है जी, प्लूरल फॉर इस्म, अस्माए इस्तफाम, ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। वो हैं ये जिनके लिए वजाहत मतलूब होती है, जिनका जवाब में वजाहत मतलूब हो, ठीक है जी, डिटेल्स साइन, ये वो वाली टाइप है। अच्छा जी, अब अस्माए इस्तफाम जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे और कितने हैं और हमें कितने पढ़ने हैं, तो नोट कर लीजिए, हमें कुछ अस्माए इस्तफाम पढ़ने हैं जिसमें जो मशहूर मशहूर हैं, उसमें पहला है माँ, ठीक है जी, माँ। माँ जो है उर्दू में वो उसका मीनिंग होता है क्या, ये क्या है, सही है जी। इंग्लिश में क्या होगा, व्हाट, व्हाट इज दिस, ठीक हो गया जी। अब देखिए माँ आ रहा है आपके पास, इससे पहले भी आप माँ पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। माँ आपने माँ मुशब्बा भी लईसा पढ़ा था जो नफी के लिए आता है, ये माँ इसमें इस्तफहाम है, ठीक हो गया जी। तो आपकी लिस्ट जो है ना वो बननी चाहिए माँ की अकसाम की भी, कि माँ की कौन कौन सी किस्में हैं, सही है जी। तो ये है माँ इसमें इस्तफहाम जो क्वेश्चन के लिए आता है, क्या, व्हाट। अच्छा इसका ही बनाते हैं, ये क्या है, सही है जी, ये क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट इज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताइए क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में कहां पर है, व्हाट, व्हाट, शुरू में, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में, ठीक है जी। इंग्लिश में क्या जो उर्दू है उसमें क्या दरमियान में। अच्छा अब आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरबिक में जितने भी अस्माए इस्तफाम है, जो इस्तफाम वाले इस्म है,
उन सबको इंग्लिश वाले जुमलों की तरह सदारत कलाम चाहिए, यानी वो शुरू में आएंगे। ये नोट कर लीजिए, आप जितने अस्माए इस्तफाम पढ़ेंगे उनको सदारत चाहिए, वो शुरू में आते हैं, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएंगे, चाहे जुमला इस्मिया में आए चाहे जुमला फेलिया में आए, वो जुमले के शुरू में आएंगे। ठीक है जी, जैसे इंग्लिश में आते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, सही है जी, हाउ, ये सब के सब जो है शुरू में आते हैं। इसी तरह अरेबिक में भी जितने अस्माए इस्तफामे जुमले के शुरू में आएंगे। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन ये क्या है, आपके लिए बनाना बहुत आसान हो गया है। माँ जो है उसको शुरू में लाना है आपने, ये बात तो आपकी समझ में आ चुकी है। हाँ जी, ये के लिए इसमें इशारा है, क्या इसमें इशारा आ जाएगा? हादा, मा हादा, ये क्या है? ठीक है जी, जुमला इसमें बन गया, क्वेश्चन हो गया मा हादा, ये क्या है? सही है जी, अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, मा हादा, जवाब दे दीजिए। हादा कलमुन, ये एक कलम है, हादा कलमुन, ये कलम है। ठीक हो गया जी, मा हादा। अच्छा, इसी तरह मा इस्मु का, अच्छा अब नोट कर लीजिए, जो इस्म वर्ड है आपको पता है इसका हमजा हमजतुल वसल है, और जब पीछे से मिला के पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा मस्मु का, मा इस्मु का, मस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है जी, क्वेश्चन है मा इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? सही है जी, तो जवाब दे दीजिए। ठीक है, क्या जवाब होगा? अना इस्मी, ठीक है जी, आना से तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, इस्मी मेरा नाम, ठीक हो गया जी, इस्मी मुहम्मदुन मेरा नाम मुहम्मद है, इस्मी फराज मेरा नाम फराज है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरह मा दीनू का, मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? दीनी इसका, दीनी, ठीक है, मेरा दीन। अच्छा जी, अब देखते हैं जरा दीनी, अच्छा अब जरा गौर करें, आगे जो है ना वो हमजातुल वसल है, ठीक है जी, हमजतुल वसल है, तो अब क्या करेंगे, आपको पता है या मुतकल्लिम को जब आगे से मिलाना हो तो क्या किया जाता है? ता मरबूता लगाई जाती है। नहीं सर, ता मरबूता कैसे लगाएंगे, ये कौन सा कायदा है? तो हमने कभी एक दम्मा रहेगा बस, नहीं दम्मा तो आता ही नहीं है ता मरबूता पे सर, जो सॉरी ता मरबूता, मैं भी गलत कह रहा हूँ, ता मरबूता या मुतकल्लिम है, या मुतकल्लिम सुकून के साथ होती है, दीनी इस्मी कलमी, सही है जी, सुकून के साथ होती है, लेकिन जब इसको आगे से मिलाया जाता है तो क्या किया जाता है? जबर लगाई जाती है, सही है जी, हमने पढ़ा था रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो नोट कर लीजिए दोबारा से कि या मुतकल्लिम को जब आगे से मिलाना हो, क्योंकि लाम साकिन है, या मुतकल्लिम भी साकिन है, दो साकिन हो नहीं सकते अरबी में, जनरल कायदा ये है कि पहले वाली को जेर लगाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उसमें एक एक्सेप्शन है या मुतकल्लिम कि उसको जबर लगा के आगे से मिलाया जाता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जनाब ये खबर का दूसरा सवाल है जो हर शख्स से किया जाएगा, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? तो जो मोमिन होगा वो जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, और अल्लाह सुभान व तआला जिस शख्स को किताब कदम रखे वही जवाब दे सकता है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ठीक हो गया जी, तो ये पहला हो गया हर्फ इस्तफाम, सॉरी हर्फ बोल रहा हूँ, इसमें इस्तफाम, ये अस्माए इस्तफाम है जिसके लिए वजाहत हो,
इसका जवाब नाम या ला में नहीं हो सकता, इसके लिए वजाहत पूरा जवाब देना होता है। पहला आपने पढ़ा इसमें इस्तफा मा, जिसका माना होता है क्या या व्हाट, ठीक है। जी जनाब, मैं स्लाइड ड्रॉप कर दूं, किसी साथी का कोई सवाल तो नहीं है इस वाले हाफिज इस्तफाम में? किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इस माइक जो है वो आप म्यूट कर दीजिए, सारे को होस्ट जो है हमारी मीटिंग में आज मेरे माइक के अलावा। ठीक है जी, तो अस्माए इस्तफा में जो दूसरा है वो है मन, ठीक है जी। पहला था मां, दूसरा है मन। मन जो है वो उर्दू में यूज होता है कौन के लिए, ठीक है जी। कौन बोलते हैं ना हम, कौन कौन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हु हु, ठीक है जी, हु। मन हु, मन रब का, ठीक है जी। इसी तरह सवाल है हु इज योर रब, तुम्हारा रब कौन है। मन रब्बू का, मन रब्बू का, ठीक है जी। और ये है कब्र का पहला सवाल, और इसका जवाब जो मोमिन होगा वो देगा रब्बी अल्लाह, रब्बी, ठीक है जी। और फिर या मुतकल्लिम को आगे से मिलाना हो तो जबर देंगे रब्बी अल्लाह, अल्लाह रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ठीक है जी। इसी तरह जो तीसरा सवाल है कब्र का वो है मन नबीयों का, मन नबीयों का, तुम्हारे नबी कौन है, ठीक है जी। जो मोमिन होगा वो जवाब देगा नबी मोहम्मद, नबी सही माशाल्लाह, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मोमिन होगा जवाब देगा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक और रिवायत में है कि फिर फरिश्ते, जो मोमिन होगा जब वो तीनों जवाब सही सही दे देगा अल्लाह ताला की तौफीक से, तो फिर उससे फरिश्ते पूछेंगे तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें इन चीजों का कैसे पता चला। तो वो कहेगा मैंने अल्लाह सुबहाना ताला का कलाम कुरान पाक पढ़ा और उसकी तस्दीक की तो मुझे उससे पता चला। तो जनाब ये कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला का कलाम है और ये अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है इंसानों की हिदायत के लिए और उनके ये जानने के लिए कि उनका रब, उनका दीन, उनके नबी कौन है, और इसी में हिदायत है। और अल्लाह सुबहाना ताला इसके जरिए से हिदायत देता है जिसको वो चाहता है और जो हिदायत लेना चाहता है। तो ये कुरान कब्र का भी साथी है और कयामत वाले दिन में भी अपने साहिब के लिए शफाअत करेगा, ठीक है जनाब। मन हु कौन, क्लियर है। तो ये हो गई स्लाइड नंबर टू आज की। तीसरा, तीसरा कैफा, ठीक है जी। कैफा कैसा,
कैसे, ये जी इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं हाउ, ठीक है। अगर हमें पूछना हो आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तो क्या बनेगा? हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैफा हालुका, कैफा हालुका। देखें मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं, मैं ये तो नहीं पूछ रहा आपका हाल कैसा है। सही जी, कैफा अंता, आप बोले ना हाउ आर यू, तो कैफा अंता, कैफा अंता, आप कैसे हैं, ठीक है जी, कैफा अंता, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं, ठीक है जी। अच्छा अब जो आप कह रहे थे वो भी सवाल हो सकता है, लेकिन होगा आपका हाल कैसा है, तो फिर हो जाएगा कैफा हालुका, आपका हाल कैसा है। हम पूछ रहे हैं जी आपका हाल चाल कैसा है, आप कैसे हैं, आपका हाल चाल कैसा है, कैफ हालू का, अल्हम्दुलिल्लाह अना भी हाई, तो फिर कैफ हालू का भी हो जाएगा, सही है जनाब। अच्छा नोट कर लीजिए ये सारे अस्मा इस्तफाम जो है जो आप पढ़ रहे हैं ये सब के सब जुमला फेलिया में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम इस्म के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब फेल आएगा तो फेल के साथ भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीसरा हो गया कैफा, सही है जी। अच्छा जी ये भी क्लियर है सब साथियों को, बहुत आसान है अब तक सारे अस्मा इस्तफाम, आगे भी इंशाल्लाह आसान है। उस्ताद ये जमीर के साथ भी इस्तेमाल होता है कैफ का इस तरह, वो अगर कैफ वो कहते हैं ना कैफ या कैफ का, तो वो गलत है, वो यानी लुगत के एतबार से तो सही नहीं है, क्योंकि देखें जुमला इस्मिया है ना ये, इसमें अगर आप कैफा को खबर मुकद्दम ले लें और अंता को मुब्तदा मौखर ले लें तो मुब्तदा और खबर दोनों रफा में होते हैं, राइट। जैसे कैफा हालुक, अगर आप कैफा को खबर मुकद्दम ले लें, हालुका को मरकब इजाफी बना लें आप, सही थी आपका हाल तो तुम्हारा हाल, तो ये मुब्तदा मौखर हो जाएगा, दोनों रफा में होने चाहिए। तो कैफा का जो है या कैफक जो है वो कैसे हो सकता है, यानी खबर तो किसी या मुब्तदा जो है वो किसी वजह से नसब या जर में जाएगा ना, तो लुगत के एतबार से तो सही नहीं है, वो आम बोलचाल में अगर बोल दे तो एक अलग बात है, क्लियर। ग्रामेटिकली मतलब ये सही नहीं है क्योंकि काफी सुनने में आता है इसीलिए पूछा हूं। हाँ वो ग्रामेटिकली तो सही नहीं, सही। ठीक है जी, अब फोर और फाइव को हम साथ ले लेते हैं क्योंकि उनका माना सेम है, सही है। वो है अयाना और मता, अयाना और मता। अच्छा जी अब जो अयाना और मता है इन दोनों का माना एक ही है, सही जी, और वो है कब, कब बोलते हैं ना हम कब, इंग्लिश में क्या होगा when, when, ठीक है जी when। अच्छा सारे अस्मा इस्तफाम को चाहिए तो सदारत आएंगे तो जुमले के शुरू में। अच्छा अब दोनों का माना तो सेम है, मैं आपको दोनों की मिसालें देता हूँ फिर दोनों में एक बारीक सा फर्क बता दूंगा कि दोनों अलग अलग क्यों है, ठीक है। जैसे सूरतुल बकरा में मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह अल्लाह की मदद कब आएगी, तो आगे है अला इन्ना نصر الله قريب, نصر الله قريب جملة اسمية ہے,
نصر اللہ مرکب اضافیوں کے مبتدا قریب خبر انا آ گیا تو انا کی وجہ سے جو مبتدا حالت نصب میں چلا گیا اور وہ انا کا اسم بن گیا تو نصر اللہ انا نصر اللہ قریب, جان لو یقینا اللہ کی مدد قریب ہے. ٹھیک ہے جی, متا متا کب صحیح جی. اور اس کو تو عام زبان میں بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے اور وہ تھوڑا اس کو لینگویج میں وہ چینج بھی ہو گیا عام بول چال میں, اس کو متا بول دیتے ہیں. وہ جو اصل ورڈ ہے وہ ہے متا, کب, وین. صحیح جی. ایانا ابھی آپ نے پڑھا سورۃ القیامہ میں, یسالونک عن الساعۃ ایانا مرساہا, بالکل اس سورۃ النازعات نازعات ایانا یوم القیامہ. انسان کیا پوچھے گا قیامت کا دن کب آئے گا, ایانا یوم القیامہ. صحیح ہے جی. یسأل ایانا یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ٹھیک ہے جی, تو انسان پوچھے گا, پوچھتا ہے, انسان پوچھتا ہے, یسألو وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا, when. ٹھیک ہے جی. اچھا دونوں استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب آپ کو کب یا وین کا معنی لانا ہو تو دونوں استعمال کر, ایانا یا متا. لیکن عموماً جو جملہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ متا یوز ہوتا ہے کامنلی. ایانا خاص بہت اہم بات اگر پوچھنی ہو تو اس کے لیے ایانا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور متا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے اہم بات نہیں پوچھی جا سکتی, اس سے بھی پوچھی جا سکتی ہے, عام بات بھی پوچھی جا سکتی ہے, اہم بات بھی پوچھی جا سکتی ہے. لیکن ایانا صرف بہت اہم باتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. صحیح جی, تو یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 4. سر یہ متا جو بولتے ہیں یہی ہے سر متا؟ ہاں یہی ہے, وہ لینگویج میں وہ چینج ہو گیا ہے تھوڑا لیکن اصل میں متا ہے. اسی لیے یوز کرتے ہیں نا, ان نصر اللہ قریب. اس میں اللہ کے کیا معنی؟ اللہ جو ہے نا وہ ایک خاص حرف ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کا معنی ہوتا ہے جان لو, خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اس کو جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے حرف تنبیہ کہتے ہیں, لیکن مجھے ابھی چیک کرنا پڑے گا ایک بار کہ اس کو کیا کہتے ہیں. یہ کچھ خاص حروف ہیں جو ایک خاص معنی کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. جی بالکل, آگاہ کرنے, آگاہ ہو جاؤ, جان لو, اللہ. ٹھیک ہے جی. ابھی اس گرامٹیکلی اس کو کہتے کیا ہے میں ایک بار انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر دوں گا, لیکن یہ وارننگ کے لیے آتا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے جی, حرف تنبیہ غالباً اس کو کہتے ہیں, میں انشاءاللہ چیک کروں گا. واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی, تو پانچ ہو گئے, اب سکس لکھتے ہیں. سکس ہم لکھ لیتے ہیں, انا. ٹھیک ہے جی, انا, انا. ٹھیک ہے جی, انا کا معنی ہوتا ہے کہاں سے, کہاں سے. انگلش میں کیا کہیں گے, فرام, فرام ویئر, فرام ویئر. حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ تازے پھل جو ہے وہ رکھے ہیں, اور جو ان کا حجرہ تھا اس میں تو کوئی آ نہیں سکتا تھا, اور ایسے پھل رکھے ہیں بالکل فریش جن کا سیزن بھی نہیں. تو پوچھتے, یا مریم انا لکی ہذا,
अन्ना लगी आदा, ये तुम्हारे पास कहां से आए, फ्रॉम वेयर, ये जो फल है अन्ना लकी हादा, ये तुम्हारे पास कहां से आए, फ्रॉम वेयर अन्ना। तो वो फरमाती औलत हुआ मिन इंदिल्ला, तो फरमाती कि ये तो अल्लाह की तरफ से है। ठीक है जी, उसके बाद सातवां आईना, वेयर सही कहां, कहां इंग्लिश में वेयर। सूरतुल क़यामा में हमने पढ़ा यकूलुल इंसानु, क़यामत वाले दिन इंसान कहेगा अइनल मफर, अइना वेयर अल मफर भागने की जगह, आज भागने की जगह कहां है, अइन अल मफर। ठीक है जी, क्या कहेगा अइन अल मफर, आज भागने की जगह, जाए फरार कहां है, तो कहा जाएगा कल्ला ला वजर, कोई ठिकाना नहीं है, इला और रब्बी का यौम इदिन मुस्तकर, आज तो तेरे रबी की तरफ तुझे लौटना है। ठीक है जी, अइना वेयर कहां, क्लियर है जनाब सबको। तो हरूफ इस्तफहाम बहुत आसान है, हमें बस वर्ड्स पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है बस, अगर वो हमें पता चल गया है तो फिर हरूफ इस्तफहाम का सॉरी अस्माए इस्तफहाम का इस्तेमाल कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक हो गया जी, अच्छा जी यहां तक हो गए सेवन, अब हमें दो और करने हैं। ठीक है जी, दो और करने हैं, उसमें अब एट और नाइन्थ दो रह गए, टोटल नाइन जो है हम इंशाल्लाह करेंगे, सेवन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, अब एट की तरफ आ रहे हैं, और एट जो है उसके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो है कम, कम कम जो है वो किसके लिए होता है, कितना। ठीक है, कितना जब क्वांटिटीज की बात करते हैं कितना। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं हाउ मच कह सकते हैं। ठीक है जी, हाउ मच कम के बारे में नोट कर लीजिए, कम जो है ना उसके दो इस्तेमाल आते हैं। ठीक है जी, कम के कितने इस्तेमाल हैं, दो किस्म के इस्तेमाल हैं, एक जो है वो इसमें इस्तफाम है जो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक है। ठीक है, एक इस्तेमाल इसका ये है जो टॉपिक है, और इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल है, क्योंकि हम कम का जिक्र कर रहे हैं तो यहां पे उसका जिक्र भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। वो कहलाता है कम खबरिया। ठीक है जी, कम खबरिया खबर के लिए आता है, कैसे अभी देखते हैं हम इंशाल्लाह। जैसे एक सवाल लिखते हैं हम कम किताबन इंदका, कम किताबन इंदका, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं सही जी, कितनी कितना, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन दी किताबन वाहिदुन, मेरे पास एक ही किताब है, कम किताबन इंदका सही जी, कम किताब। अच्छा, हम नोट कर लीजिए ये जो कम है इसके साथ एक खास बात आपको नोट करनी चाहिए कि कम के बाद जो इस्म आएगा वो हालत नसब में होगा, नकरा होगा और वाहिद होगा। ठीक है जी, कम के बाद आने वाला इस्म वाहिद होगा, नकरा होगा और नसब में भी होगा, ये तीनों बातें आपको पर नजर आ रही हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, कि कम के बाद आने वाला जो इस्म होगा वो वाहिद होगा, नकरा होगा और नसब में होगा।
जब आपको ऐसे इसम नजर आ जाए नसब वाहिद और नकरा, तो इसका मतलब ये कम इस्तफहाम के लिए, ठीक है जी, ये कम इस्तफहाम के लिए है, सही। अच्छा जी, दूसरा जो है वो कम खबरिया कहलाता है। वो क्या होता है, आइए उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं इंशाअल्लाह। वकम अहलकना, अब मैं यहाँ पे फेल लिख रहा हूं बात को सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन हम फेल अभी पढ़ नहीं रहे, सिर्फ तर्जुमा करूंगा ताकि आप बात समझ जाए। वकम अहलकना मिन क़रियत, अल्लाह सुभान व तआला कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह तआला ने, अब वकम अहलकना मिन क़रियतिन, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक की। वालिम थी, बात नहीं मानी अपने अंबिया की, तो उनको अल्लाह सुबहाना ताला ने उन पर आदाब आया और वो हलाक कर दी। अब यहां पे जो कम है, यहां पे क्वेश्चन का माना तो नहीं है ना, यहां पे क्वेश्चन तो नहीं है, वकम अहलकना मिन क़रियतिन, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी। यहां पे कम किसके लिए, कसरत तादाद बताने के लिए, सही जी, खबर के लिए, कसरत तादाद के लिए कि कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी, सही है जी। तो ये कम जो है ना, कम खबरिया कहलाता है, सही है। और कम के बाद इस्म कहां आ रहा है, आगे चलते हैं। अहलकना तो फेल है, मैंने आपको बता दिया, अभी हमने फेल के बारे में नहीं पढ़ा तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी फेल के बारे में डिटेल में। फेल कहां आ रहा है आगे, कम का बाद इस्म कहां आ रहा है, क़रियतिन यहां पे आ रहा है, सही है। नोट कर लीजिए, ये जर में आता है, जो कम खबरिया के बाद इस्म आएगा वो जर में होगा, और अमूमन उससे पहले मिन जो है ना वो आपको मिलेगा हरफे जारा, अमूमन उससे पहले आपको मिन हरफे जारा मिलेगा। तो कम इस्तफामिया और कम खबरिया जो है उसका फर्क क्या है, कम इस्तफामिया के बाद इस्म नसब में होगा, वाहिद और नकरा होगा, और कम खबरिया के बाद जो इस्म आएगा वो जर में होगा, और अमूमन उससे पहले मिन हरफे जारा भी आपको मिलेगा। क्लियर हो गया जनाब? तो ये हो गया कम। कितना उस्ताद, इसी तरह आयना जो है वो भी उसका अलग भी इस्तेमाल, जैसे अल्लाहु माकुम आयना माकुंतुम, यहाँ पे इस्तफामिया तो नहीं है। जी जी, आयना माकुंतुम के जहां कहीं भी तुम हो, बिल्कुल। वो जो है ना असल में जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो है अस्माए मौसूल का। तो कुछ हरूफ इस्तफाम ऐसे भी हैं, अस्माए इस्तफाम ऐसे भी हैं जो इसमें मौसूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो हम वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गई स्लाइड नंबर 6। और किसी साथी का कोई सवाल है? सर ये कैफ हालुका होता है, कैफ खान होता है सर? नहीं, कैफक तो सही नहीं है ना, वो काफ लगाना तो सही नहीं, हमने अभी देखा सही है ना। कैफा हालू का कह सकते हैं आप, क्या आपका हाल कैसा है, आप ये भी पूछ सकते हैं। अगर ये पूछना है हाल कैसा है, डायरेक्ट पूछना है, तो कैफल हाल भी पूछा जा सकता है। और आप कैसे हैं तो वो होगा कैफ अंता, कैफा अंता, आप कैसे हैं। ठीक हो गया? ठीक है, आप कैफ़ हालों का कह सकते हैं, सही। ठीक है जी, अब लास्ट है जो अस्माए इस्तफहाम 9, और ये बड़ा खास है, ठीक है जी। ये है अय्युन, अय्युन। अब तक अब नोट कर लीजिए, मैं आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। अब तक आपने जो 8 पढ़े ना, मा, मन, मता, आईना, अन्ना, सैयदी, कैफा, अब तक आपने कम जितने भी पढ़े 8, वो सब के सब मबनी है, आपको पता है इसम है, ठीक है। तो इसम होगा तो उसकी अराब भी होगी, सही है जी। तो जो नोट कर लीजिए,
सब के सब मबनी है, रफा में हो, नसब में हो या जर में हो, एक ही शक्ल रहती है। मा मा मा, मन मन मन, कैफा कैफा कैफा, अन्ना अन्ना अन्ना, आईना आईना आईना, मता मता मता, अयाना अयाना अयाना। ठीक है जी, एक ही शक्ल में रहेंगे इससे पहले के आठ के आठ, सब के सब मबनी है। लेकिन नोट कर लीजिए, जो अय्या, जो अय्युन है, जो आपके सामने लिखा है, ठीक है जी, अय्युन, ये मुनसरिफ है, ठीक है जी, यानी इसकी अराबी हालतें तीन होंगी, अय्युन अय्यन अय्यिन, ठीक हो गया जी, ये मुनसरिफ है, सिर्फ ये एक जो है मुनसरिफ है। अच्छा, इसका माना क्या होगा, कौन सा, वो कहते ना कौन सा, विच, ठीक है जी, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, विच, विच वन, विच, ठीक है जी। अच्छा, और एक बात नोट कर लीजिए, अच्छा मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक बात बताइए, एक अभी मैं इंशाल्लाह बताता हूं। नोट नंबर वन, कि अय्युन जो है वो मुनसरिफ है, ठीक है जी, यानी रफा नसब जर में अय्युन अय्यन अय्यन, ठीक हो गया जी, तीनों हालतें लेगा। दूसरी बात, ये अय्युन जो है ना, ये मुदाफ होकर आता है, ये मुदाफ बनकर आता है, ठीक है जी, और आपको पता है मुदाफ जब बनेगा तो एराब हल्की हो जाएगी, ठीक है जी, और एराब हल्की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अय्यु अय्या अय्यी, ठीक है जी, अय्यु अय्या अय्यी, ये मुदाफ हो क्या आता है। अगर मैं पूछूं विच बुक इज दिस, ये कौन सी किताब है, ठीक है, तो कहा जाएगा अय्यू, अब ये मुदाफ हो गया तो आगे मुदाफिला आएगा, अय्यू किताब इन हादा, ये कौन सी किताब है, ठीक है जी। इसी तरह कुरान पाक में सूरतुर रहमान, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, अय्यु आला, अय्यु आला, सही जी, मुरक्कब इजाफी हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है जी, मुदा मुरा मुरक्कब इजाफी हो गया, अय्यु आला। अब बा हर्फ जारा अटैच हो गया, बा मुदाफ को क्या करेगा, जर दे देगा, आपको पता है तीनों शक्ले लेगा, अय्यु अय्या अय्यी, तो फबी तो बी अय्यी हो गया, ठीक है जी, और फा शुरू में जुमले के शुरू में आ गया तो हो गया फबी अय्यी आला ई रब्बी कुमा तुम्हारा, तुम दोनों ने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, फबी अय्यी आला, ठीक है, इसी तरह فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد اب کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ, ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے ایو ایا ای, تینوں حالتیں لے گا, مضاف ہو کر آئے گا تو اس کے آگے مضاف الیہ ہمیشہ آپ کو جر میں ملے گا, کلیئر ہے جناب, ठीक है जी, तो ये आपकी आज जो है नवा हो गया, इसमें इस्तफहाम। अच्छा, इसके बाद इसमें इस्तफहाम से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं चाहता हूं कि अभी टाइम भी है हमारे पास, थोड़ा क्लोज कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इस पर मौसूल करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जुमला फेलिया की तरफ चले जाएंगे नेक्स्ट वीक में। उस्ताज, ये जो अय्यु है ये मुजक्कर है, इसी तरह मुअन्नस भी है क्या, इसका मतलब, देखिए जो अस्मा इस्तफाम है ना वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो सबके लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप किसी औरत से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है तो आप माँ ही लगाएंगे ना, माँ इस्मु की, करेक्ट, तो इसमें इस्तफाम तो सबके लिए इस्तेमाल होंगे, क्लियर,
नहीं, आयु के ताल्लुक से जैसे या आया तो हन नफसुल मुतमाइना इस तरह का एक आयत है जी जी, तो इसी वो इसी से मिला जुला है ये आयु वाला। हाँ देखिए वो जो हमने पढ़ा है ना, वो हमने जो पढ़ा है आयतु, हाँ उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना कि हरूफ़ निदा, हरफ निदा जब आएगा या और उसके बाद जब मौरफ बिल्लाम इसम आएगा तो इसम अगर मुजक्कर होगा तो अयुहा ऐड होगा, और अगर अयतु हा हो अगर मोनस होगा तो अयतु हा होगा, और नफ्स जो है हमने पढ़ा मोनस है तो उसके लिए अयतु हा ऐड हुआ। और अयतु हा और या अयतु हा में अयतु हा क्या है उसकी मैंने आपको ग्रामेटिकल तरकीब अभी नहीं बताई क्योंकि वो डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने कहा अभी हम सिर्फ इतना रखेंगे कि हरफ निदा के बाद जब मौरफ बिल्लाम इसम आएगा तो अयुहा अयतु हा ऐड होगा। क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो अय्यू के बाद जो इसम आएगा वो जर में आएगा, अय्यू किताबिन होगा। बिल्कुल, क्योंकि मुदाफ है ना, और मुदाफ इलैह हालत जर में होगा हमेशा 100%। सही है ना? ये फब्बे अय्ये में जो फा है ये सिर्फ हर्फ है ना, इसमें इसके कोई इसको हम इसम या ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, बस हर्फ होगा इसका मतलब पास होगा फिर होगा। हाँ जी, फा जो है ना ये हर्फ है ये हर्फ, ये तो कन्फर्म है, और इस कई तरह के फा होते हैं, ठीक है, फा इस्तनाफिया होता है, फा सबबिया होता है, फा वाकया फी जवाब शर्त होता है, तो फा की कई किस्में हैं, ठीक है जी। जो आप जब एडवांस होंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेंगी कि फा की कितनी किस्में हैं, और अभी के लिए फा एक हर्फ है। सर ये लिमा भी हरफ इस्तेफाम में आता जी? बस उसी तरफ आ रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। अभी अब जो है ना कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी डिटेल्स है लेकिन अभी सादा रखना चाहते हैं। देखिए जी, हरफ इस्तफाम है माँ, अभी आपने पढ़ा, ठीक है जी, माँ, सॉरी हरफ इस्तफाम बोल रहा हूँ मैं, इसमें इस्तफाम है माँ, अभी आपने पढ़ा, इसका माना क्या है? क्या और वॉट? अच्छा जी, अब नोट करें, अगर ये इसमें इस्तफाम माँ जो है इसके साथ अगर लाम हरफ जारा लग जाए, अब लाम का एक अलग माना है, सही है जी, और माँ का एक अलग माना है, लेकिन जब ये लाम हरफे जारा के साथ मिल जाए ना तो ये बिल्कुल एक अलग माना दे देता है, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, जब लाम और माँ मिला के लिखे जाएंगे तो ये लिखे ऐसे जाएंगे, माँ का जो अलिफ है वो गिर जाएगा, लिमा, ठीक है, लिमा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, क्यों वाय, सही है जी। अब इसका माना क्या होगा? क्यों, किस लिए, एक अलग ही हरफ इस्तफाम बन गया, क्यों किस लिए, वाय, या अय्युहल्लज़ीना आमनु लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो क्यों कहते हो, वाय क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो, लिमा, ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद दोबारा देखिए, एक बिल्कुल नया हरफ इस्तफाम बन गया माँ के साथ ला लगने से, अब माँ दोबारा हरफ इस्तफाम है, ठीक है जी, आपको पता है इसका माना क्या है, व्हाट, क्या, व्हाट, सही जी। अब इसके साथ लाम हरफे जारा नहीं बल्कि फी हरफे जारा लगा दे, क्या लगा दे, फी, सही जी। जब फी हरफे जारा इसके साथ लग जाएगा तो फिर इसका जो अलिफ है वो ड्रॉप हो जाएगा और ये बन जाएगा फीमा, फीमा, ठीक है जी। अब इसका बिल्कुल एक नया सामने माना आ जाएगा, ठीक है, फीमा यानी किस चीज में, इन व्हाट, ठीक है जी, किस चीज में, इन व्हाट, किस चीज में, जैसे हम बोले फीमा انت مشغول فيما انت مشغول تم کس چیز میں مصروف ہو کس چیز میں بزی ہو فیدی فیما کس چیز میں ان واٹ ٹھیک ہو گیا جی اچھا اسی طرح یہی حرف استفہام ما इसके साथ अगर हरफे जारा मिन लग जाए तो बिल्कुल एक नया माना सामने आ जाता है, ठीक है, लिखा कैसे जाएगा, ऐसे ही मिम्मा, ठीक है जी, मिम्मा,
हमजा तो ड्रॉप हो जाएगा, मिम्मा, ठीक है जी। फल यम वोरिल इंसानु मिम्मा खोलियम, बस इंसान को चाहिए कि वो देखे किस चीज से वो पैदा किया गया, किस चीज से, ठीक है जी। तो मिम्मा का माना क्या होगा, किस चीज से, फ्रॉम व्हाट, किस चीज से। फल यम वोरिल इंसानु मिम्मा खोलियम, बस इंसान को चाहिए कि वो देखे कि वो किस चीज से पैदा किया गया, ठीक है जी। इसी तरह अगर यही हर्फ इस्तफा माँ हो और इसके साथ अन लग जाए, अन, ठीक है जी, तो फिर यही होगा और इसको लिखा जाएगा अम्मा। अब नून जो है उसको भी मीम ने मर्ज कर दिया गया है अम्मा, और हमारा जुज अम्मा जो तीसवा सिपारा वो शुरू होता है अम्मा यतसालून, तो इसका माना क्या होगा, किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, अबाउट व्हाट, अम्मा यतसालून, वो किस चीज के बारे में सवाल करते हैं, किस चीज के बारे में, किस चीज के मुताल्लिक, किस चीज की निस्बत, ठीक है जी, ठीक है। तो अब देखें माँ जो इसमें इस्तफा में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हरूफे जा रहा है, अटैच हो रहे हैं, तो बिल्कुल अलग माना दे रहे हैं, क्लियर है। आपको मिसालें भी मैंने आपके सामने रख दी हैं सर। अम्मा का अबाउट व्हाट है मीनिंग, जी अम्मा अबाउट व्हाट, यस यस अबाउट व्हाट, करेक्ट। उस्ताद एक सवाल था, जी जी पूछिए। ये अभी जो हमने पढ़ा है इनको अस्मा क्यों कहते हैं, मतलब हम इनके जिन्स को, अदद को, किसी को डिफाइन नहीं कर रहे, तो इनको अस्मा क्यों कहा जाता है? आप सबको डिफाइन कर सकते हैं, क्या हर्ज है। अस्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा खबर बनते हैं, सही है जी, हर्फ नहीं है। जैसे हमने कहा, आप देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं, हमने कहा मा इस्मुका, ठीक है, आपने क्वेश्चन बनाया। अब बताइए माँ जो है उसकी क्या पोजीशन है, मस्मुका, माँ मुब्तदा है और मुब्तदा इस्म बनता है ना, हर्फ तो नहीं बन सकता, करेक्ट, ऐसे ही मुब्तदा इस्म ही बन सकता है ना, हर्फ तो नहीं बन सकता, जुमला इस्म में मुब्तदा इस्म होता है, खबर भी इस्म होता है, करेक्ट, और खबर उसकी इस्मों का। तो इसी तरह तमाम अस्माए इस्तफाम जो है वो या मुब्तदा बनेंगे या खबर बनेंगे, वो सब इस्म है, सही है। बनिस्बत इसके कि आपने जो पिछली क्लास में देखे थे हरूफ इस्तफाम, उसमें आपने कहा था अहादा कलमुन, सही है जी, तो आपने जब ये कहा था तो हादा मुब्तदा था, खबर जो है वो इसकी ये थी, और ये हरफ इस्तफाम था, ये इस्म नहीं था, करेक्ट। मेरा वो एक्चुअली वो जब पहले टॉपिक हम इस्म पढ़ रहे थे तो उसमें आपने बताया था कि हर इस्म की चार क्वालिटीज होती है, ये चारों चीजें इन सब में है सर, ये चारों चीजें इन सब में है, ठीक है। अब चारों चीजें इन सब में है, एराब मैंने आपको बता दिया मबनी है, रफा नसब जर, क्लियर, मैंने आपको बताया ना, आयुन का आपको बताया एराब होगा, अयो आई, सही है जी। इस तरह वो साहित के एतबार से ये सब के सब मारफा ट्रीट करेंगे आप, क्योंकि आप इनको मुब्तदा बना रहे, ठीक हो गया। इसी तरह आप जिन्स के एतबार से मुजक्कर मोनस दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होंगे, जैसे किसी साथी ने सवाल किया तो मैंने उनको कहा, इसी तरह अदद में भी ये वाहिद मुसन्ना जमा सबके लिए एक ही इस्तेमाल होंगे, क्लियर है, सही थी। तो सारे चारों चीजें आ जाएंगी इनमें, अच्छा तो ये अच्छा। इसी तरह वह जजा करना हो खैर, इसी तरह मन आपने पढ़ा, ठीक है जी, हरफ इस्तफाम इसमें इस्तफाम मन आपने पढ़ा, और मन का माना क्या पढ़ा, कौन, कौन, ठीक है। अब ये मन जो है इसके साथ अगर लाम हरफे जा रहा अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा लीमन, लीमन, ठीक है जी। और लीमन जब ये हो जाएगा तो इसका माना होगा किसके लिए, फॉर होम, फॉर होम, ठीक है जी, फॉर होम किसके लिए, सुतुगाफिर लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाहत किसकी है, किसके लिए, लिमन
अल-मुल्कु अल-यौम, ठीक है जी। और आगे मिलाने के लिए जेर देंगे, जैसे आपको बता लिमनिल मुल्कु अल-यौम, आज के दिन बादशाहत किसके लिए है, किसकी है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज के दिन बादशाहत लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज के दिन बादशाहत अल्लाह के लिए है जो अकेला है, जो अकेला है पूरी तरह छाया, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ठीक है जी। तो इसी तरह जो मन है ना, इसके साथ और भी हरूफे जारा होते हैं जो अटैच हो जाएं तो माना देते हैं। इसी तरह आईना जो है उसके साथ भी मिन आईना अगर हो जाए तो कहां से, मिन आईना अंता, आप कहां से हैं। तो इसी तरह और भी हैं, लेकिन अभी जो नेसेसरी थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं, तो हम यहीं पे इक्तफा करते हैं रूफ़े इस्तफ़हाम के टॉपिक से रिलेटेड। स्लाइड नंबर 9 है मेरा ख्याल से, ठीक है जी। तो ये हरूफ़े इस्तफ़हाम का टॉपिक है जो कि बहुत आसान है। असल बात ये है कि हम लोग ये याद कर लें कि हरूफ़े इस्तफ़हाम जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनका माना क्या है और उनका यूज क्या है, कि कौन सा हरूफ़े इस्तफ़हाम कहाँ पे यूज होता है, किस माना के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। किसी साथी का कोई सवाल है हरूफ़े इस्तफ़हाम से रिलेटेड? इसमें ये नहीं हो सकता, हो सकता है इन्हीं के जैसे तकदीम और ताखीर का कोई मौजू, नहीं तकदीम और ताखीर का मौजू इसमें इसलिए नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितने भी अस्माए इस्तफहाम है उन सबको सदारत कलाम चाहिए, वो शुरू में ही आएंगे, ठीक है जी। अब कुछ कुछ मुबतदा बन के आते हैं, कुछ खबर बन के आते हैं, कुछ दोनों बन सकते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा जुमले की कंस्ट्रक्शन से, और ये थोड़ा एडवांस में आपको बात समझ में आएगी कि कौन सा मुबतदा और कौन सा खबर है। लेकिन अच्छा। ये बात नोट कर लीजिए, जो बात नोट अभी आपको इस स्टेज पे करनी है कि सब के सब आप जुमले के अयुन के अलावा, वो क्योंकि मुदाफ बनता है तो वो दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन बाकी सब के सब शुरू में आएंगे, सब के सब शुरू में ही आएंगे जुमले, ठीक है जी। सरदार कलाम, ठीक है जनाब। तो और किसी साथी का कोई सवाल है? पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आया था। अच्छा अच्छा ओके, मैं इंशाल्लाह दोनों जो है ना वो भेजता हूं। ओके और कुछ कुछ शायद उस क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी नहीं आ रहा था। कौन से क्वेश्चन के बाद? कुछ होमवर्क सर, होमवर्क के बाद, ठीक ठीक है, वो हम मैं इंशाल्लाह होमवर्क के आंसर्स भी भेज दूंगा आज ही। ओके जज़ाकअल्लाह। जी सर, और किसी साथी का कोई सवाल? आपसे गुजारिश है सर, क्या ये पॉसिबल है कि ये हम जुमला फिलिया में जाने से पहले जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं उस सब का एक क्लास में पूरा यानी कि मुख्तसरन से जिक्र करके रिवाइज से करा दें? जी जी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, और आइडिया भी अच्छा है। नहीं नहीं आप लोग जो है, हम लोग ठीक है इंशाअल्लाह जुमला फेलिया में जाने से पहले हम लोग जुमला इस्मिया का एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, जो हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े उसका एक क्विक रिवीजन कर। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह खैर, वल्लाहु आलम, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जज़ाकअल्लाह खैर।